क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, अच्छा आपको तो पता होगा, क्या आप जानते हैं? किसी को भी नहीं पता। चलो इनसे पूछते हैं। मैम मैम, क्या आप जानते हैं? नहीं। क्या आप जानते हैं? नहीं। ओके ओके, रुक गए। चलिए आप सब तक मुझे यही बता दीजिए कि जब भी आप किसी देश के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप गूगल करके क्या देखते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ खाने पीने को क्या क्या मिलेगा। और अगर मेरे जैसे कोई हो तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वहाँ पर शॉपिंग करने की क्या क्या जगहें हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा देश है कि जहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई सीनिक ब्यूटी, ना तो वहां पे गाड़ियां चलती है, ना बसेस, क्योंकि वो जो जगह है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वुड यू बिलीव मी? नहीं ना। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको दुनिया के सबसे छोटे देश का दर्जा मिला है, टीनी टाइनी। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश है सीलैंड, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन जनसंख्या और अन्य चीजों की वजह से इसे सबसे छोटा देश कहा जाता है। सीलैंड को माइक्रोनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि देश में इसमें रहने वाले लोगों की संख्या लाखों या सैकड़ों में नहीं है, क्योंकि इसमें रहते हैं महज 27 लोग। जी हाँ, मात्र 27 लोग। सीलैंड का कुल क्षेत्रफल 1 किलोमीटर चौथा हिस्सा यानी 250 मीटर है। बस इतना सा? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ पे तो क्या ही शॉपिंग की जगह होगी, मुझे नहीं जाना यहाँ। वैसे अगर आप एक्सप्लोर करने के पर्पस से जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दुनिया का सबसे छोटा देश एक्चुअली वैटिकन सिटी नहीं है, बल्कि उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी में सिचुएटेड ये छोटा सा देश है, जिसे सीलैंड के नाम से जाना जाता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये देखने में भी है, क्योंकि इसके आसपास कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के। इस देश का अपना राष्ट्रीय झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, और यहाँ तक कि अपनी करेंसी भी। ये देश इतना छोटा है कि गूगल मैप पर भी इसको सर्च नहीं किया जा सकता है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो, लेकिन ये वही देश है जहाँ कोविड-19 का एक भी मामला नहीं देखा गया था। सीलैंड खंडर हो चुके एक समुद्री किले पर मौजूद है, जिसका निर्माण ब्रिटेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था, और फिर बाद में इसे खाली करा दिया गया था। दूर से देखने में लगता है कि ये सिर्फ 2 खंभों पर बसा है। अरे खंभे किसी दिन ढह गए तो? नो, मुझे तो बड़ा ही डर लगता है। बट जब ये खबर पूरी दुनिया को पता चली थी, तो पूरी दुनिया से ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने इस देश की भरपूर मदद करी थी, और इस देश को काफी सारा डोनेशन भी दिया गया था। धीरे धीरे इंटरनेट के जरिए जब लोगों को इस माइक्रो देश के बारे में पता चला, तो यहाँ कई देशों से टूरिस्ट भी पहुँचने लगे। लेकिन ना तो यहाँ एंटरटेनमेंट का कोई साधन है, ना ही कॉम्प्लेक्स है, और ना ही कोई मार्केट है। इंटरनेशनल लेवल पर सीलैंड को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इस कारण से एक देश के रूप से यहाँ कई सारी चीजें लागू भी नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर सबसे छोटे देश के बारे में सर्च करेंगे तो सीलैंड की जगह वेटिकन सिटी नाम आएगा, जिसमें महज 800 लोग रहते हैं। तो अब खुली दिमाग की बत्ती। तो दोस्तों, अगली बार जब आपसे कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सीलैंड। That's right. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, लेके आपके लिए एक नई जानकारी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।